कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है यू शुड नो दिस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इन 10 कंट्रीज में वाइल्ड लाइफ कूट कूट के भरी है। बहुत सारी अनोखी प्रजातियां हैं प्राणियों की, पशुओं की, पक्षियों की। तो और हमारे इंडिया का भी नंबर इस लिस्ट में है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमें आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम इंटरेस्टिंग फन पैक्स वीडियोस और हमारे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट भी वहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज है जो कि है रिच विथ बायोडाइवर्सिटी, जिनमें ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, पेरू, वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज आती है। आप सभी को पता होगा साउथ अमेरिका में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है और इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल गया। उसके बाद दोस्तों, एशिया में आप देखेंगे तो चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसी कंट्रीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स। और अफ्रीका में देखेंगे तो मादागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज आपको बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई मिलेगी। और लास्ट में ओशियाना कंट्रीज जिनमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी कंट्रीज में भी जो वाइल्ड लाइफ है और बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन सभी कंट्रीज़ में हमारे पूरे प्लेनेट के 70% ऑफ बायोडाइवर्सिटी रहती है और इनकी टेरिटरी है वो सिर्फ 10% है पूरे अर्थ के सरफेस की। तो दोस्तों, चलिए चालू करते हैं हमारे टॉप 10 काउंटडाउन को। और दोस्तों, आपको 10 नंबर पे USA और वेनेजुएला का टाई है इस 10 नंबर के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम्स अवेलेबल है, इसलिए उनके यहाँ पे फिश की स्पेसीज है वो बहुत ही ज़्यादा है। और वेनेजुएला में आप देखेंगे तो ये है वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री। आपको यहाँ पे बर्ड्स की, मतलब पक्षियों की जो प्रजातियाँ है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, अगर आप एनिमल स्पीसीज की बात करेंगे वेनेजुएला में, बर्ड्स की यहाँ पे अराउंड 1400 की स्पीसीज है। एम्बियंस की संख्या यहाँ पे 363 है। रेप्टाइल्स की 409 है। फिश की करीब यहाँ 1700 स्पीसीज है और मैमल्स की 360 के करीब स्पीसीज वेनेजुएला में है। और प्लांट्स की, पेड़ों की, वास्कुलर प्लांट्स मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे हम बाहर हमारे घर के बाहर यहाँ पे देखते हैं उन सभी की अगर वो प्रजातियाँ देखेंगे तो वेनेजुएला में 21,000 पेड़ पौधों की प्रजातियाँ भिन्न 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 प्रकार के आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगी। और आपको यहाँ पे जायंट आर्माडिलो, रेड सिस्किन और बॉथरॉप्स स्नेक, ये सभी इसी टाइप की बहुत सारी एनिमल्स, फिश की स्पीसीज और बर्ड्स की जो प्रजातियाँ हैं आपको बहुत ही सुंदर सुंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर USA की बात करेंगे तो यहाँ पे 800 के करीब बर्ड्स, 300 के करीब एम्फीबियन, 500 के करीब रेप्टाइल, 3000 फिश और 440 मैमल की स्पीसीज आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिली। और वैस्कुलर प्लांट्स में यहाँ पे पेड़ों की प्रजातियाँ करीब करीब 20,000 तक पेड़ों की डिफरेंट प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप दोस्तों अमेरिका में पाए जाने वाले प्राणियों की, पक्षियों की बात करेंगे तो बॉल्ड ईगल उनका नेशनल बर्ड है, आप सभी को पता होगा बॉल्ड ईगल यहाँ पे है। और अमेरिकन बाइसन और फिर पैसिफिक ट्री फ्रॉग, अमेरिकन एलिगेटर, ये कुछ जो एनिमल्स है आपको यहाँ पे देखने को मिले। ऐसे बहुत सारी है लेकिन मैं आपको सभी नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं कुछ तीन चार सिलेक्टेड आपको दिखाते जाऊँगा हर कंट्री के लिए। तो दोस्तों, 9वीं कंट्री है इक्वाडोर। आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है एरिजोना, उससे भी छोटा ये पूरा का पूरा देश है, लेकिन इसमें बायोडाइवर्सिटी है वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस देश में पाई जाती है। दोस्तों, ये कंट्री एंडीज और अमेजॉन रीजन के बीच में है और आपने एक आइलैंड का नाम सुना होगा गैलापागोस। दोस्तों, गैलापागोस आइलैंड पे आपको ऐसे ऐसी प्रजातियां देखने को मिलेगी जो पूरे पृथ्वी पे आपको कहीं पे नहीं देखने को मिलेगी।
आपको पता होगा चार्ल्स डार्विन जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी जिन्होंने पब्लिश की थी, जिन्होंने सबको बताई थी, वो इस इवोल्यूशन का स्टडी करने के लिए गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोल रखी थी और वहाँ पे उन्होंने अपनी रिसर्च की और अपनी इस थ्योरी के साथ वो आगे आए। तो दोस्तों अकेला एक गैलापागोस आइलैंड यूएस को आउटरैंक करता है बर्ड्स और एम्फीबियन स्पीसीज के मामले में, नंबर्स में। तो दोस्तों अगर आप टोटल एनिमल स्पीसीज देखेंगे तो बर्ड्स की 1600 के करीब यहाँ पे स्पीसीज है, एम्फीबियंस की 600 के करीब, रेप्टाइल्स की 500 के करीब, फिश की 1100, मैमल्स की 370 और वैस्कुलर प्लांट्स की यहाँ पे 19,362 इतनी स्पीसीज आपको इस पूरे नेशन में मिलेंगी। और दोस्तों आपको बता दूँ जायंट टॉर्टोइस ये सिर्फ इसी गैलापागोस आइलैंड पे मिलती है जो कि इक्वाडोर की है, और उसके बाद आप यहाँ पे मरीन इगुआना, एंडीन कॉन्डोर और रेड टेल कैटफिश जैसी बहुत ही अनोखी प्रजातियाँ आपको इस पूरे कंट्री में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों 8 नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। आपको बता दें दोस्तों इंडिया एक बायोडाइवर्स से रिच भरा हुआ कंट्री है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारे इंडिया में आप वर्षावन भी हमारे इंडिया में है, रेगिस्तान भी हमारे इंडिया में है, और हिमालय जैसे कोल्ड रीजन्स भी हमारे इंडिया में है। तो यह हमारे इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों आपको बता दूँ रेप्टाइल्स और बर्ड्स की संख्या में हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा रैंक करता है पूरे विश्व में। हमारे यहाँ पे रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बहुत सारी प्रजातियाँ अवेलेबल है पूरे इंडिया में। आपको दोस्तों हमारा इंडिया जाना जाता है एलिफेंट्स, एक सिंह के गेंडे और एशियाटिक लायंस जो कि पाए जाते हैं गुजरात में, और बंगाल टाइगर्स और बहुत सारे। दोस्तों हमारा इंडिया तो टाइगर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको बता दूँ कि जो पूरे विश्व में टाइगर्स हैं ना, उनमें से 70% टाइगर्स हमारे इंडिया में रहते हैं, और इन टाइगर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि। और इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे इंडिया में घड़ियाल मिलेंगे, और गंगा रिवर में डॉल्फिन्स मिलेंगे, उसके बाद दोस्तों मोर, पिकॉक और फिर किंग कोबरा जैसे जहरीले और सिर्फ इंडिया में पाए जाने वाले सांप आपको मिलेंगे। तो अगर आप डिफरेंट स्पीसीज देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया में 1200 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज यहाँ पे मिलेगी, 434 एम्फीबियन स्पीसीज आपको मिलेगी, रेप्टाइल्स की दोस्तों 700 के करीब यहाँ पे आपको प्रजातियाँ मिलेगी, फिश की 2500 से ज़्यादा फिश की प्रजातियाँ हमारे इंडिया में पाई जाती है, और मैमल्स 400 के करीब मैमल्स की प्रजातियाँ हमारे इंडिया में है। और प्लांट्स के बारे में अगर पेड़ों के बारे में बात करेंगे तो करीब 18,000 की जो प्लांट की स्पीसीज है वो हमारे इंडिया में पाई जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों एनिमल्स फाउंड इंडिया, टाइगर्स, राइनो, किंग कोबरा, घड़ियाल और पिकॉक्स और इंडियन रोलर, ये पक्षी भी हमारे यहाँ फेमस है और यहाँ पे सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। तो दोस्तों अब 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा रेप्टाइल्स और फिश की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि सबसे बड़ी कोरल रीफ है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पर आपको ड्राई डेजर्ट्स भी मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, इसलिए ये पूरा देश दोस्तों बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। तो अगर आप स्पीसीज टोटल स्पीसीज देखेंगे तो बर्ड्स की यहाँ पे 700 के करीब स्पीसीज है, एम्फीबियन एनिमल्स की यहाँ पे 200 के करीब स्पीसीज है, रेप्टाइल्स की यहाँ पे 1000 से ज़्यादा आपको स्पीसीज मिलेंगे, फिश की दोस्तों 5000 करीब 5000 की फिश की स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और मैमल्स की यहाँ पे 350 के करीब मैमल्स की स्पीसीज आपको यहाँ पे है, और वैस्कुलर प्लांट्स मतलब पेड़ों की यहाँ पे प्रजातियाँ 15000 से भी ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। और आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में जो एनिमल्स है वो पूरे दुनिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया से कटा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो प्राणी थे उनका इवोल्यूशन बहुत ही अलग हुआ है, और वहाँ पे देखने वाले
जो भी प्राणी है वो आपको पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कांगारू और कोआला, स्वॉर्ड फिश, उसके बाद ग्रीन ट्री पाइथन, एक बहुत ही जहरीला सांप भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों छठे नंबर पे आता है पेरू। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी टॉप सिक्स में से थ्री कंट्रीज तो आपको साउथ अमेरिकन ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा साउथ अमेरिका में ही दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट अमेजोन, इसलिए आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा मिलेंगी। आपको बता दूँ पेरू इज़ ओनली सेकेंड टू कोलंबिया इन टर्म्स ऑफ बर्ड्स, और आपको बता दूँ कि ये रैंक करता है टॉप 5 ग्लोबली फॉर एम्फीबियंस और मैमल्स और प्लांट्स के स्पीसीज के लिए। अगर आप स्पीसीज की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 2000 के करीब बर्ड्स की स्पीसीज है, एम्फीबियन की 500 के करीब है, रेप्टाइल्स की यहाँ पे 500 के करीब संख्या है, और फिश की देखेंगे तो 1500 के करीब स्पीसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मैमल्स की यहाँ पे 500 के करीब मैमल्स की संख्या है, और वैस्कुलर प्लांट्स प्लांट्स की अगर आप देखेंगे तो 17000 से भी ज़्यादा प्लांट्स की यहाँ पे प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जैगवार्स और हम्बोल्ट पेंगुइन, लामास एंड अल्पाकास और पुमा। आपको ये बहुत ही मैजेस्टिक और इंटरेस्टिंग स्पीसीज आपको एनिमल्स की इस पूरे देश में देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है मेक्सिको। तो दोस्तों मेक्सिको में आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ड्राई फॉरेस्ट मिलेंगे, उसके बाद माउंटेन हैबिटेट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, और उस पर डेजर्ट भी है मेक्सिको में, इसलिए आपको बता दूँ दोस्तों मेक्सिको में बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और प्लांट्स की प्रजातियाँ पाई जाती है, हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बर्ड्स की संख्या यहाँ पे 1100 के करीब बर्ड्स है, यहाँ पे एम्फीबियंस की 400 के करीब संख्या है, रेप्टाइल्स की 1000 रेप्टाइल्स की प्रजाति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, फिश की अगर आप देखेंगे तो 2600 से ज़्यादा फिश आपको मेक्सिको में देखने को मिलेगी, मैमल्स की अगर आप संख्या करेंगे तो 500 के आसपास मैमल्स आपको मैमल्स की प्रजातियाँ इस कंट्री में देखने को मिलेगी। और प्लांट्स के बारे में देखेंगे तो अगर आप देख सकते हैं दोस्तों 26000 से भी ज़्यादा प्लांट्स की स्पीसीज यहाँ पे मौजूद है पूरे मेक्सिको में। दोस्तों अगर आप एनिमल्स देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग एनिमल्स जैसे ओसलोट, मैक्सिकन रैटल स्नैक, उसके बाद केप रैस और ब्लू विंग्ड टील, बहुत ही सुंदर ऐसा पक्षी आपको और ऐसे बहुत सारे पक्षियों की आपको यहाँ पे प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों अब चार नंबर पे आता है चाइना। चाइना में बहुत ही मैसिव सिटीज़ है, आप सभी को जब भी चाइना का नाम सुनेंगे तो यहाँ पे मैसिव उनकी सिटीज़ और उनके जो अभी पॉलिटिकल स्टांस है आपको उस देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूँ दोस्तों चाइना में वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एकदम ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार नंबर पे चाइना रैंक करता है। आपको बता दूँ चाइना में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेके गोबी डेजर्ट जैसे डेजर्ट तक आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा स्टैगरिंग एरे ऑफ हैबिटेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। चाइना में आपको पता दो चाइना में बहुत ही ज़्यादा आपको बर्ड लाइफ, प्लांट्स और फिश की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दो चाइना में करीब करीब 1300 के करीब बर्ड्स की प्रजाति, एम्फीबियंस की यहाँ पे 500 के करीब प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, रेप्टाइल्स की यहाँ पे 490 करीब करीब 500 की यहाँ पे प्रजाति दिखेगी, और फिश की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3600 से भी ज़्यादा प्रजाति आपको यहाँ पे फिश की देखने को मिलेगी, और मैमल्स की अगर आप देखेंगे तो 550 मैमल्स की स्पीसीज यहाँ पे है, और अगर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो 32000 से भी ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ हम चाइना में आपको मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है दोस्तों। और आप सभी को पता होगा जैसे पांडा पूरे विश्व में सिर्फ चाइना में ही पाया जाता है, और आप सबको बता दूँ उसके बाद गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, ये भी बहुत ही सुंदर शानदार जानवर है दोस्तों। और अब आप देखेंगे दोस्तों जाउस बॉक्स टर्टल, ये भी एक बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे
कछुआ देखने को मिला, और उसके बाद मैंड्रीन डक, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रजाति है दोस्तों पक्षी की। तो दोस्तों अब तीसरा नंबर पे आता है इंडोनेशिया। दोस्तों मैं आपको बता दूँ 10,000 आइलैंड से मिलाकर ये पूरी कंट्री बनती है। यहाँ पे इंडोनेशिया में वाइड एरे है टेरिस्टेरियल और मरीन इकोसिस्टम्स की। और आपको बता दूँ दुनिया का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का रेन फॉरेस्ट इंडोनेशिया में आपको मिलेगा। और आपको बता दूँ इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मैमल स्पीसीज है इन द वर्ल्ड। और आपको बता दूँ कि फिश की स्पीसीज के मामले में इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही करीब है। और आपको बता दूँ दोस्तों इंडोनेशिया रैंक करता है वर्ल्ड में 34 स्थान पर बर्ड स्पीसीज के मामले में। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हूँ दोस्तों, ये दुनिया में एक अकेले ही ऐसा जगह है जहाँ पर राइनोज, ओरेंगोटैन, एलिफेंट्स, बियर्स और टाइगर्स सभी प्राणी एक ही जंगल में रहते हैं। ऐसी जगह पूरे दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप नंबर्स देखेंगे तो बर्ड्स की यहाँ पे 1700 से भी ज़्यादा स्पीसीज है, एम्फीबियंस की यहाँ पे 365 इतनी स्पीसीज यहाँ पे अवेलेबल है। और रेप्टाइल्स की अगर आप देखेंगे तो 750 से भी ज़्यादा यहाँ पे रेप्टाइल्स की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप फिश की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे करीब करीब 5,000 प्रजातियाँ है फिशेस की। आपको मैमल्स अगर आप देखेंगे तो 670 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया में। और पेड़ों की प्रजाति यहाँ पे आपको 30,000 के करीब पेड़ों की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स कंट्री है इंडोनेशिया। और दोस्तों आपको यहाँ पे ओरेंगोटैन, बर्ड ऑफ पैराडाइज, बहुत ही सुंदर पक्षी जैसे मानो कि स्वर्ग से ही आया हो, और फिर हॉर्नबिल्स और फिर राइनोस, ऐसे बहुत सारे शानदार। और आपको बता दूँ सुमात्रन टाइगर्स, ये टाइगर की प्रजाति भी यहाँ पे है। बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स कंट्री है दोस्तों, बहुत ही सुंदर कंट्री है। तो दोस्तों अब दूसरे नंबर पे आता है कोलंबिया। आपको बता दूँ कोलंबिया में इनक्रेडिबल बर्ड्स, एम्फीबियंस और प्लांट की स्पीसीज बहुत ही रिच है, जो कि इसको अलाउ करती है इंडोनेशिया को हमारे इस लिस्ट में पछाड़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कोलंबिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है पूरे विश्व में। दोस्तों कोलंबिया की ये बायोलॉजिकल रिचनेस आती है इनके वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स की वजह से, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, माउंटेन हैबिटेट्स है, और बहुत ही बड़े बड़े ग्रासलैंड्स है लानोस और पारामोस की जैसे, और उनके आइलैंड्स भी है जैसे गोरगोना और सैन मार्टिन। इसलिए यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। आप देखेंगे तो बर्ड्स की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पूरे विश्व में कोलंबिया में है। करीब करीब 1900 के करीब यहाँ पे बर्ड्स की प्रजातियाँ है। एम्फीबियंस की अगर आप देखेंगे तो 700-800 के करीब एम्फीबियंस की यहाँ पे प्रजातियाँ है। रेप्टाइल्स की 600 प्रजातियाँ है, और फिश की अगर आप देखेंगे तो 2000 से भी ज़्यादा फिश की प्रजातियाँ आपको इस कोलंबिया में देखने को मिलेगी। मैमल्स की 450 के करीब प्रजातियाँ है, और वैस्कुलर प्लांट्स मतलब पेड़ों की प्रजातियाँ अगर आप देखेंगे तो 51,000 से भी ज़्यादा पेड़ों की प्रजाति आपको कोलंबिया में देखने को मिलेगी। बहुत ही रिच बायोडाइवर्स कंट्री है। और आपको पता होगा अमेजन फॉरेस्ट का कुछ पार्ट भी यहाँ पे इस कोलंबिया में आता है। और कुछ मैजेस्टिक एनिमल्स अगर आप देखेंगे जो कि कोलंबिया में मिलते हैं, वो है स्लॉथ्स और म्यूलेट मंकीज और कीन बिल्ड टूकैन। ऐसे बहुत सारे मैग्निफिसेंट और अमेजिंग प्रजातियाँ एनिमल्स की और बर्ड्स की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब एक नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील इस पूरे पृथ्वी का बायोडाइवर्सिटी चैंपियन है। दोस्तों आपको बता दूँ अमेजन रेन फॉरेस्ट का मोर देन 60% ऑफ एरिया सिर्फ ब्राज़ील में ही आता है। दोस्तों ब्राज़ील में अमेजन रेन फॉरेस्ट, माटा अटलांटिका फॉरेस्ट और मैसिव इनलैंड स्वाम्स, और उसके बाद रेंज ऑफ अदर टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसलिए ब्राज़ील लीड करता है दुनिया को प्लांट्स और एम्फीबियंस के स्पेसिस के काउंट में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये
पूरे विश्व में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर रैंक करता है मैमल्स और एम्फीबियंस की स्पीशीज के बारे में, और बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश के बारे में ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राज़ील में 1800 से भी ज़्यादा बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं। एम्फीबियंस की तो देखिए दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, और अगर आप रेप्टाइल्स की देखें तो 800 से ज़्यादा रेप्टाइल्स की प्रजातियाँ यहाँ पे है। फिश की अगर आप देखेंगे तो 4500 से भी ज़्यादा फिश की प्रजातियाँ है। मैमल्स की अगर आप देखेंगे तो 650 के करीब यहाँ पे मैमल्स की प्रजातियाँ पाई जाती है। और प्लांट्स के बारे में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स की प्रजातियाँ आपको ब्राज़ील में मिलेंगी। 56,000 से भी ज़्यादा प्लांट्स की यहाँ पे आपको प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। अगर आप उनके कुछ एनिमल्स देखेंगे तो एम्परर टैमरिन मंकी, टापीर, और फिर अमेजन रिवर डॉल्फिन्स, और फिर येलो बैंडेड पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, ये बहुत ही खूबसूरत और ख़तरनाक एनिमल्स आपको यहाँ पे ब्राज़ील में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी पृथ्वी पर बहुत सारी स्पीशीज है जो अभी लुप्त होने के मार्ग पे है, तो सभी गवर्नमेंट्स को और हम सभी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट करने पड़ेंगे ताकि ये प्रजातियाँ जो फैबुलस एनिमल्स है वो लुप्त ना हो जाए। तो बस दोस्तों इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होती तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। आपने आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।